वर्तमान में बेटियां हर क्षेत्र में बेटों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। ऐसे में लोगों को मानसिकता बदलते हुए बेटे और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, ये आह्वान शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने आज धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पुराने वक्त के मुकाबले महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सरवीन चौधरी ने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के साथ महिलाओं से जुड़ा विंग कार्यक्रम में उपस्थित रहा। इन्हीं के माध्यम से सरकारी व समाज हित की कई योजनाएं क्रियान्वित हो रही है। महिलाओं की स्थिति पुराने वक्त के मुकाबले काफी सुधरी है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों के लिए सख्त कानून भी बने हैं। 24 जनवरी का दिन महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों के लिए समर्पित है। अब बच्चों व महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार जिला कांगड़ा में गर्ल्स चाइल्ड रेशो 1915 है। गिरते लिंगानुपात को लेकर सरकार सख्त हुई है, जेल का प्रावधान भी है और जुर्माना भी हो सकता है। जिस तरह से बेटे के जन्म पर खुशी मनाई जाती है, उसी तरह से बेटियों के जन्म पर भी खुशी मनाई जानी चाहिए। लोगों को बेटे बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, इसके लिए लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपने देखा धर्मशाला में हमारी काफी महिलाएं जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स और सभी समाज से जो विंग बच्चों के साथ महिलाओं के साथ जुड़े हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित है। और आज के इस राष्ट्रीय बालिका समारोह में जिस तरीके से इन्हीं के माध्यम से सारी सरकारी और समाज की बहुत सारी स्कीम कार्यान्वित हो रही है, उसमें आज पूरे देश में और प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पुराने वक्तों से काफ़ी अच्छी सुधरी है। और उसके बीच में कानून भी बने हैं, उन कानूनों का पालन पोषण भी हो रहा है। और उसके साथ एक ऐसे एक्ट भी बने, अगर उनको कोई छेड़छाड़ की घटना होती है, उनको कोई दुख मिलता है, उसके लिए सख्त कानून जो है वो आयोग के माध्यम से और कोर्ट्स के माध्यम से उसको भी सुलझाया जाता है। तो मुझे लगता है 24 जनवरी का दिन जो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए समर्पित है, इसको हम याद बार बार दोहराते हैं। क्योंकि पुराने समय में विश्व में जब महिला की कोई कदर नहीं थी, धीरे धीरे विदेशों में क्रांतियाँ आई, भारतवर्ष में क्रांति आई, चेंजेस आई, वोट का अधिकार महिलाओं को मिला, तो पंचायतों में उनको अभी अधिकार मिला। ये सारे अधिकारों को आज महिलाएं आगे बढ़ के पूर्ण कर रही हैं, और जहां उनको मौका मिल रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस करी इस देश में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और इतने आईएएस हैं, डीसी लेवल से लेके सभी जो अधिकारी हैं, उसमें महिलाओं का अच्छा योगदान रहा हर जगह पे। सो आज के इस बालिका समारोह में इन सब चीज़ों को हमें स्मरण कराते हुए, और जहाँ पे थोड़ी बहुत गुंजाइश है सुधार की, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रहता है सामाजिक जो पुरानी कुरीतियाँ होती हैं, उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमको ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा था। देखिए ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए, मेरे पास जो फिगर था वो लगभग 915 के आसपास है जिला कांगड़ा का। अभी जो है कहीं जगह नेचुरल भी हो सकता है और कहीं जगह हो सकता है कोई अटेंशनल कुछ एक, जैसे मैंने कहा थोड़ी बहुत हो सकती है कहीं कमी, क्योंकि सरकार ने प्राइजेज रखे हैं, कोई रिपोर्ट करेगा और उसको सार्वजनिक भी नहीं किया जाता है। हमारी आज देखो पहले कितना आसान था लिंक को पता करना, आजकल तो सरकार बहुत सख्त है, जेल भी है, जुर्माना भी है। इसी तरीके से ये प्रयास जो है ये आने वाले दिनों को इस अनुपात को भी कम करेंगे। बाकी दो चार पुरुषों का, लड़के ज़्यादा होंगे, लड़कियाँ होंगी, ये तो नेचुरल भी हो सकता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। मीटिंग्स स्पेशल इंटरेस्टिंग क्लोज एंड पर्सनल न्यू रिलेशंस अ बॉर्न एट नेक्सा अ न्यू डेस्टिनेशन A new experience. Nexa. Times TV के Facebook पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।